चलो फाइनली सुबह आई। तो गाइस मैं बता दूं, मेरे पास ये छोटा सा घर और ये मेरे पास साइकिल है, मैं गरीब हूँ। तो गाइस मेरे पास बाहर कटाने तक पैसे नहीं है, मेरे पास काम भी कोई नहीं है। चलो यार मैं चल रहा हूँ गाइस, कोई काम ढूंढने के लिए, काम रहेगा तभी ना मैं पैसे कमा कुछ खाऊंगा। चलो यार अभी चलते है काम ढूंढने के लिए। तो गाइस मैं काम ढूंढ रहा था लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला यार। चलो अभी घर चलते, लेकिन ये भाई साहब मैंने किसी गाड़ी में टक्कर मार दी यार। अरे भैया सॉरी, ब्रेक नहीं लगा, गलती से टक्कर मार दी। साले क्या सवारी बोला, जल्दी से मेरे पैसे निकाल नुकसान के। अरे भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा पैसे नहीं, तुम काम ढूंढ, मैं तुम्हें काम दूंगा। अरे भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन ये काम बच्चों का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। अरे भैया क्या बात करते, मैं बहुत 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 बड़ा बड़ा काम कर चुका हूँ। तुम्हें किसी को मारना है? अरे भैया क्या बात करो, मैं किसी को कैसे मारूंगा। अरे तुम मेरी पहली बात सुनूंगा, अगर तुम मार दोगे उसे तो मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मैं उसको मारने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे मोबाइल में फोटो भेजी, इसी को मारना है। अरे भैया मैं, लेकिन मैं इसको मारूंगा कैसे? ये लो गन, तुम इसी गन से इसको मार देना। मार तो दूंगा लेकिन वो मिलेगा कहाँ? वो साला रोज जयपुर से दारू पी के घर आता, वो भी सुनसान रास्ते में, तुम उसको वहीं पर मार सकते हो। ठीक है मैं उसको मार दूंगा, लेकिन तुम मेरा पैसा तो रेडी रखना। ठीक है पहले तुम जाके उसको मार कहो, तुम्हारे फोन में मैंने लोकेशन भेज दिया मेरे घर का। तो गाइस मैं उसको मार दूंगा, मुझे 10 करोड़ मिल जाएगा। वो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, मैं अपना बाल भी कटवा लूंगा, उसे नया कपड़ा भी खोलूंगा, सब कुछ अपनी इच्छा पूरा करने। चलो अभी चलते हैं। तो गाइस मैं उसी सुनसान रास्ते पर आ चुका हूँ, अभी रात होने का इंतजार करते हैं, तब तक मैं अपना जाल बिछा लेता हूँ उस आदमी को मारने के लिए। अरे यार आज घर जाने में काफी रात हो गई, लेकिन ये क्या सामने रखा है, लगता है दारू का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। चलो यार उतर के अभी देखते हैं सामने क्या है। अच्छा तू ही है जो इसको मुझे मारना है, महक रहा साला दारू पी के आया, जल्दी तू दूर हट। लगता है दारू का कुछ ज्यादा ही असर हो गया, सामने मुझे कोई छपरी दिख रहा है। साले तू मुझे छपरी बोलता है, मेरे हाथ में तुझे गन नहीं दिख रही क्या? आज मैं तुझे मारने आया हूँ। अरे यार तू मुझे मारने आया, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है। जल्दी अपनी आखिरी इच्छा बोलो। अरे यार मेरी गाड़ी की डिग्गी में दारू का बोतल रखा है, क्या मैं उसे पी लूं फिर तू मुझे मार देना? साला तू कैसा आदमी, तेरे सामने मौत खराब फिर भी तू दारू पीने की बात करता है। रुक जा अभी मैं तुझे जुड़ाता हूँ। ये ले साला गया। चलो यार इसको तो मार तो दिया, अभी चलता हूँ उस आदमी से अपना पैसा ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ इसकी गाड़ी भाई लेकर चलता हूँ कि आई जबरदस्त की दिख रहा है। चलो यार अभी उस आदमी के घर चलता हूँ, फिर उसे मैं अपना 10 करोड़ लेके आता हूँ, तो मजा ही आ गया। चलो उस आदमी के घर तो आ गया, लेकिन भाई साहब इसके पास कितनी गाड़ी है यार, सुपर सुपर। वो भाई साहब की आई तगड़ी लैम्बोर्गिनी फरारी यार, की आई जबरदस्त के पास गाड़ी है। अरे भैया मैंने उस आदमी को मार दिया, आप जल्दी से मेरे 10 करोड़ दे दो। अरे मुझे पता था कि तुम ये काम कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुमको चुना, लेकिन ये तुम्हारे पीछे गोल्डन किसी गाड़ी है। अरे ये गाड़ी उसी आदमी की, ये सब पूछना बंद किए, जल्दी से मेरे 10 करोड़ दीजिए। ये लो पूरी अपने 10 करोड़। अरे भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलो यार पैसों तो ले लिए, अभी चलता हूँ घर। मुझे जोर से नींद भी आ रही, सुबह होते ही मैं अपना बाल भी कटवा लूंगा, नए कपड़े भी ले लूंगा। चलो अभी चलते हैं घर। तू आ गया, जल्दी से गाड़ी को खड़ा करता हूँ, जल्दी सोने चलता हूँ यार। मुझे सुबह उठ के जल्दी से मेरा बाल भी कटवाना है और मुझे न्यू कपड़े भी लेना। चलो यार अभी सोते हैं। तो गाइस यहाँ पर सुबह हो चुकी है, मैंने थोड़े से पैसे ले लिए बाल और न्यू कपड़े खरीदने के लिए। चलो यार जल्दी से अपना बाल कटवाना, न्यू कपड़े खरीदते हैं। तो गाइस मैं इस दुकान पर आ चुका हूँ, पहले बाल कटवाएंगे फिर जाएंगे न्यू कपड़े खरीदेंगे। चलो यार पहले अपना बाल कटवा लेते हैं। तो गाइस गया था मैं अपना बाल कटवाने, उसने पकड़ के मेरा बाल ही उखाड़ दिया, क्योंकि मैंने कई सालों से कटवाया नहीं था, इसलिए मेरा बाल बहुत मजबूत हो गया था, इसलिए मेरा बाल नहीं कट रहा था, इसलिए पकड़ के उखाड़ दिया। चलो यार चलते हैं कपड़े की दुकान पर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कपड़े की दुकान पर, जल्दी से आज चलते अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, बढ़िया खरीदेंगे। तो गाइस 3 घंटे के बाद मैंने ये वाले कपड़े खरीदे, दे बताओ कि कैसा मैं लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ। चलो यार अभी जल्दी से अपने घर चलता हूँ। तो गाइस मैं घर जाया था, अभी मुझे देखा कि ट्रैफिक सामने का है, लेकिन ये एक मिनट भाई ये तो पुलिस लगता है, उनको पता चल गया कि मैंने उस आदमी को मारे है। जल्दी से काम करते, अपनी गाड़ी जल्दी से भगा लेता हूँ। रुक जा साले, अगर तुमने भागने की कोशिश की थी मैं तुम्हारी गाड़ी में बम फेंक दूंगा। अरे सर बम मत फेंकिए, क्या बताइए क्या हुआ? ये बताओ तुम उस आदमी को क्यों मारा, किसे कहने पर उस आदमी को मारा? अरे सर आप किस आदमी को मारने की बात करें, मैंने किसी आदमी को नहीं मारा। अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारे पास किसकी गाड़ी है? अरे सर ये तो मेरी गाड़ी है। अच्छा ये तुम्हारी गाड़ी है, तो इस गाड़ी का पेपर दिखाओ। सर इस गाड़ी का पेपर चूहा खा गया। साले झूठ बोलता है, ये गाड़ी उसी आदमी
कि जिसको तूने मारा अभी मैं तुझे जेल लेकर चलता हूँ। अरे यार ये 10 करोड़ के चक्कर है, मुझे पूरी लाइफ जेल में रहना होगा। अरे भाई आपने जिस आदमी से अपना काम करा था उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही, अगर वो कोर्ट को में बता दिया हम लोग के बारे में तो हम भी लोग जेल जाएंगे। क्या बात कर रहा है, हम लोग जेल में नहीं जा सकते, एक काम करो जाकर उस आदमी को मार दे। अरे भाई उस आदमी को कैसे मारेंगे, वो तो पुलिस के साथ जा रहा है। तू एक काम कर, पुलिस वाली गाड़ी को टक्कर मार दे, वो आदमी मर जाएगा, लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया, हम लोग बच जाएंगे। ठीक है भाई मैं वैसा। चलो मैंने अपना काम तो कर लिया, मैं जल्दी से भाई को फोन लगा के बता दे काम हो गया। हेलो भाई काम हो गया। चलो तुम अच्छा किया, अब हम लोग बच जाएंगे, हम लोग कोई खतरा नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ।